हेलो भाई लोग, आज हम आ चुके हैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने कि जो हम लोग की ये मशीन पोकलेन होता है, इसे हम टेलर पर कैसे चढ़ाते हैं। तो हम टेलर पर चढ़ाने से पहले हम बूम से मशीन को जेकअप करके टेलर के ऊपर टच करेंगे और धीरे धीरे चैन को आगे की तरफ लेंगे ताकि ये मशीन उस पर जाकर रुक सके। ठीक है भाई, अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कैसे बंदा कर रहा है। हाँ, फिर हम मशीन को स्विंग करते हुए अपोजिट साइड डायरेक्शन में ले जाएंगे, एकदम सेम बैक अपोजिट, एकदम वहाँ पे ले जाके हम बूम को नीचे रख के टेलर के लेवल पे मशीन को हम जेकअप करेंगे, मतलब उठाएंगे एक लेवल हो जाए ताकि हम मशीन को आगे पीछे आराम से ले जाए तो मशीन बैलेंस में बराबर जाए और हमें सब चीज़ दिखे। अब हम धीरे धीरे चैन को पीछे की तरफ ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमें देखना है कि ये मशीन चैन टेलर से नीचे ना जाए, नहीं तो मशीन पलटी हो सकती है। ठीक है भाई, हम आ गए मशीन के ऊपर टेलर पे, एकदम मशीन को लोड कर चुके हैं। अब मशीन को हमें अच्छे पोजीशन में रखना है जिससे हम कहीं भी मशीन को ट्रेवलिंग करके ले जा सके या वहाँ पे रख सके ताकि मशीन रास्ते में डिसबैलेंस ना हो। इसके लिए हमें पूरे मशीन को सही पोजीशन में पैक करके रखना है और जो मशीन का मेन पोजीशन होता है जिससे हम बूम को अंदर की तरफ बैंड करके रख देते हैं टेलर के ऊपर, जिससे मशीन हिलता नहीं है और कहीं टायर रोड में टच होने का डर नहीं होता है भाई। तो ऐसे ये पोजीशन परफेक्ट होता है जिससे मशीन कहीं पे भी ले जाने में आसानी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।